आप पीछे पीछे खड़े हो जाओ, आपके जस्ट आगे वाले। हाँ जी, शाबाश। क्या नाम है आपका? जोर से बोले यार, यहाँ सुनाई दे। हाँ जी, अक्षय। हाँ जी, सचिन। सचिन, ओहो, एक तो वो सचिन नाम हुआ जिसने अपने नाम को इतना सार्थक किया कि आपने अपना नाम सचिन रखा। आप किन की यादों में खो गए थे अभी? हैं जी, रजिस्टर लो वहाँ से, यहाँ आओ, आगे आके बैठो, पेन रजिस्टर बैग लेकर यहाँ आ जाए सचिन। तो रिटायरमेंट लेने के बाद मास्टर बनने की इच्छा हुई? बेटा बेटा उबासिया ले रहा है वहाँ पर। हैं जी, तो उबासिया क्यों ले रहा है बेटा बेटा? हैं जी, है बेटा, तो मैंने तेरे को यहाँ पकाने के लिए बुलाया। फिर मेरे को क्या मोहब्बत होगी तेरे को जो दिल के करीब बुला रहा हूँ? है बेटा, अच्छा इसको ये गलत फहमी भी हो सकती है, मुझे इससे भी मोहब्बत हो सकती है। हे भगवान, मेरे हाथों की लकीरों में किस्मत बहुत बुलंद है, कमाल करता है। सोमवार के व्रत कर इस जन्म में, फिर देखते हैं अगले जन्म की। समझता नहीं मेरे को। देखो, आलस जो है ना वो होने नहीं चाहिए जीवन में। मुझे आलस से सख्त नफरत है। और देखो आप, एक हमारा युवा क्या आजकल दो बातों में उलझा हुआ है। एक तो उसको मजा नहीं आ रहा यार, एक तो ये शब्द उसका है ना हर जगह, मजे ही नहीं आया रे यार। और जब मम्मी जी खाना बनाएंगे, माता जी खाना बनाए, चगड़ 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 खा जाएगा, और जब पेट भर जाएगा ना, मम्मी खाने का तो मजा ही नहीं आया, अरे नालायक तो खाया क्यों तूने, है ना। पढ़ने के लिए फीस देगा, है ना, पढ़ने के लिए फीस देगा, वो पढ़ने के लिए घर बार छोड़कर यहाँ आएगा, और पढ़ाने के जगह उसे सुनाओ कि कल बहुत करीब से देखा था मैंने तेरे शहर को, ये देखो, वाह वाह वाह, है ना। अभी जब मैं कालीबंगा की सभ्यता में बताया ना, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, इतनी बढ़िया बात जो परीक्षा में पूछी जाती वो बताए, तब तो वहां नहीं निकली। और कल बहुत करीब से देखा था मैंने तेरे शहर को, और वाह वाह निकली, देखो। तो ये क्या हमारी पसंद में क्या हो गया? हमारे हर कार्य में हमें क्या आना चाहिए? मजा नहीं आ रहा यार, है ना। पढ़ाई करो किताबों में, मजा नहीं, अरे कहाँ से आएगा पढ़ ढंग से मन लगाकर? एक तो ये प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, एक मूड ही नहीं है यार। ले चल बोले चल रहा है कि आज पढ़ने को, बोला आज तो जाने का मूड ही नहीं है, घर बार छोड़कर यहाँ कह के लिए बैठा पढ़ने के लिए, और पढ़ेगा उसका मूड नहीं है। ले खाना खा रहे बोले मूड नहीं है, ले अभी सोले बोले भी मूड नहीं, अब जग जा बोले भी उठने की इच्छा नहीं। एक मूड का बहुत गुलाम हो गया छात्र, एक मूड का गुलाम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के युवाओं में होगी, हर पल बिजी बहुत है वो, हर पल बिजी है वो, जबरदस्त बिजी। बोले ले चल बाहुबली 3 देख कर आते हैं, बोले नहीं यार मैं तो नहीं आ रहा, बोले क्यों, बोले बिजी हूं, बोले क्या कर रहा, बोले कर तो कुछ नहीं रहा हूं। लेकिन फिर भी क्या है वो, बिजी है। तो एक तो मजा नहीं आ रहा, एक मूड नहीं, और एक बिजी बहुत है। ये युवा पीढ़ी के साथ ऐसी बात होगी कि उनको कैसे संभालो बताओ। पढ़ना चाहते नहीं, जो परीक्षा में हमें प्रश्न राइट करा के जिंदगी के हर पल को खुशनुमा बना दे उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मजा आना चाहिए उसको। अब बताओ, कालीबंगा के नगर की भवन सूखी ईंटों से बने हैं, अब मैं उसमें रस कहां से लेकर आऊं, आप ये बताओ। अरे अभी तो लिखा है अपन ने, और ये बात प्रमाणिक है, ऐसा ही हुआ है ना। और पढ़ी तो भी क्या पढ़ी उसमें अपने, गुल पढ़े नहीं, गुलशन पढ़े नहीं, कलियां पढ़ी नहीं, फूल पढ़े नहीं, बुलबुल की सरगम पढ़ी नहीं, तितलियां पढ़ी नहीं, भंवरे पढ़े नहीं, पढ़ी तो क्या पढ़ी, नालियां पढ़ी हमने। और वो भी कौन सी वाली पढ़ी, और लकड़ी की नालियां में जब सीलन आती है तो बदबू बहुत मारती है, लेकिन हमें परीक्षा कौन पास करवाएगी? गुल गुलशन गुलिस्ता चमन बहारें रुख रुखसार जुल्फ जुल्फन, ये हमें पास करवाएंगे या ये लकड़ी की नालियां पास करवाएंगे? अब बताओ मजा कहां से लेकर आऊं मैं, बताओ। तो ये क्या, तो इनको जैसे सचिन जैसे मान, ये तो बहुत बढ़िया लड़का है, प्यारा बहुत है, ये वास्तव में बहुत खूबसूरत है, ये तो भगवान ने मेरे को कुंवर कनक सिंह बनाया, कनक कुमारी बनाया होता तो गुलाब का फूल
भाई अपनी तो इतनी औकात है, देखो अपने में क्या है, पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा ही सही। बरसों पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग पतन होने वाला था, उससे ठीक पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता में शिफ्ट होने वाले थे, यानी सिंधु नदी मैदान से गंगा के मैदान की ओर प्रस्थान करने वाले थे कि हमारी निगाहें किसी से मिल गई और उनके साथ 7 जन्मों की कस्में खानी पड़ी। इसलिए सचिन आपको 8वें जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। अब उबासी मत लेना। अच्छा, व्यक्ति जब उबासी लेता तो ऐसा लगता जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं खुल रही है। अच्छा, मक्खी अंदर आकर बाहर चली जाती, पता ही नहीं चलता उसको। तो आलस से जिस युवा ने बेर कर लिया, आलस से जिस युवा ने तलाक ले लिया, एनर्जेटिक आप लोग पढ़ते हो ना, पढ़ने के लिए आते हो, तब तो क्या आपको आगे वाली सीट चाहिए, बढ़िया सीट चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह से बैठ कर पढ़ सको। और क्लास को पता चले 1 घंटे के बाद 2 घंटे की क्लास है तो लगता है यार आगे आगे क्यों बैठ गया, वो सर देखेंगे। ऐसी जगह बैठता जहाँ पसर के बैठता और सर को पता नहीं चलता। हम पसर के बैठे, आप में से देखो 70% लोग पसर के बैठे हुए। पसर के बैठने का मतलब जानते हो, जब ब्याह में बुआ जी आती है और ब्याह के सारे काम करने होते हैं, भाभी जी फोन करती ननंद को, भाई बेटे की तो बुआ ही होगी ना वो, कहा आप आ जाओ जल्दी से, शादी के बहुत काम पेंडिंग। बोले आप सब चिंता मत करो, मैं आके सारे काम हो जाएंगे आके। और आकर ही वो बुआ काम नहीं करती पसर के, और फिर बाद में उसको भगाएगी, उसको भगाएगी, उसको भगाएगी। तो कक्षा में बुआ जी बनकर मत बैठा करो। मेरी भी कक्षा में जब मैं एटॉमिक एनर्जी में था, पढ़ाया करता था, वहाँ एक कन्या थी जो क्या है कि आलसी थी थोड़ी सी, लेकिन बड़ी नटखट थी। तो एक बार वैसे ही अटेंडेंस लेते समय मैंने मुँह से निकल गया वो यस सर, बोली नहीं ना, अटेंडेंस बोलते ना अपन, हाजिर नंबर 1, हाजिर नंबर 2, 3, तो वो सब यस सर बोलते हैं। तो मैंने भी हाजिरी लगा रहा, तो वो बोली नहीं जोर से, तो मैंने कहा बुआ जी थोड़ी सी जोर से बोला करो। उस दिन से पूरी कक्षा उसको बुआ जी बोलने लगी। एक दिन मैं अपने स्टाफ रूम में बैठा हुआ इंटरवेल में, वो कन्या भागी भागी आई, बोले सर आपसे एक शिकायत करनी है। मैंने कहा क्या? बोले सर अपने क्लास का वो लड़का नहीं क्या? बोले हाँ है ना। बोले वो मेरे को बुआ जी नहीं कहता। मैंने कहा अरे वाह, उसकी इतनी हिम्मत। मैंने कहा उसको बुला के लेकर आ। वो गई उस बालक को लेकर आई, मैंने कहा क्यों रे तू इसको बुआ जी क्यों नहीं कहता? तो उस बालक ने कहा बोले क्या करूँ सर, पूरी कक्षा मेरे को फूफा जी कहती है। बस आपको पढ़ाओ मत, बोले ये मजा आ गया, बोले आज, बोले आज कक्षा में आनंद आ गया, बोलेगी ये बातें आपको चाहिए होती। थोड़ा सा आप मन को मजबूत करें, अपने आप को एनर्जेटिक करें, ऊर्जावान बनाएं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, इस लाइन में बहुत गजब की ताकत है। काजू बादाम से, चने से, मूंगफली से, सुबह अंकुरित अनाज से, इन सब से ऊर्जा नहीं आती है। हम राजस्थानी, हम भारतीय, जितनी हमें दिन भर में कैलोरी की जरूरत होती है उससे ज़्यादा कैलोरी हम अपने भोजन में करते हैं, क्योंकि हम भोजन को ऊर्जा के लिए नहीं करते हैं। ऊर्जा के लिए कौन भोजन करता है? हम भोजन करते हैं स्वाद के लिए। और डकार बोले अभी तक आई नहीं यार, एक और आम दे, है ना। तो ये हमारी आदत है, भोजन हम खूब करते हैं, यानी ऊर्जा बहुत है हमारे अंदर। इसको थोड़ी सी मन की ऊर्जा में कन्वर्ट करो आप, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और पटवारी वालों के लिए तो स्पेशल बात है, पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है और अभी भी 70% राजस्थान पुराने सिलेबस, और पुराने सिलेबस की हुई परीक्षाएं जो पुराने पैटर्न पर आधारित थी उनके मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। अवेयरनेस ही नहीं उनके अंदर कि अब आप पटवारी ग्रेजुएट लेवल के हो गए हो, आपकी परीक्षा का स्तर बढ़ गया है। और रीट वाले आज भी पूरा राजस्थान केवल मात्र हाई साइकोलॉजी, हाई साइकोलॉजी, हाई साइकोलॉजी, हाई साइकोलॉजी। सुबह उठे तो साइकोलॉजी, शाम ढले तो साइकोलॉजी, सपनों में साइकोलॉजी, ख्वाबों में साइकोलॉजी। और किससे निगाहें मिली और कोई कहे कि मेरी पलकों में झांक कर देख कर नजर आ रहा है, बोले डॉक्टर धीर सिंह दवाई साइकोलॉजी। हर जगह साइकोलॉजी साइकोलॉजी सर, उसको भी पढ़ो, बहुत जरूरी है वो भी। लेकिन आपके 30 नंबर की 2 लैंग्वेज, 1-1 60 नंबर की 2 लैंग्वेज और है, 40 नंबर के आपके सब्जेक्ट हैं, 20 नंबर के आपके मेथड है, आपको 140-150 नंबर कवर करने हैं। उसके लिए हाई साइकोलॉजी में पूरी दुनिया अटकी पड़ी है। 100 लोग अगर रीट की तैयारी अभी कर रहे हैं तो 70 लोग अपनी टोटल पढ़ाई की स्ट्रेंथ का
70% केवल साइकोलॉजी को दे रहे हैं, आप 30% वाले बनिए, जो बाकी के बचे हुए 30% लोग हैं ना जो हर सब्जेक्ट को बैलेंस टाइम दे रहे हैं, आप उसके बनिए, इस 30,000 में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि खाओ, खाना खाओ आप टिफिन का यहाँ पर, तो माँ के बने हुए खाद के खाने खाने के जितना स्वाद आपको आए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस कमरे में रह रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसकी खुशबू और उसकी आबोहवा माँ के द्वारा सजाए गए कमरे जैसी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से अपने कमरे पर जाओ, कमरे से यहाँ आओ, ज़रूरी नहीं कि रास्ते में आपका कोई हमसफर बने, अकेले भी रह सकते हो आप। किताबों को अपना हमसफर बनाओ, किताबों को अपनी महबूबा बनाओ, किताबों में जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें अपनी पलकों में बसाओ। धड़कन कम सुनाई देनी चाहिए और सिलेबस की आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए। क्या है, 2 महीने, 1.5 महीने, 45 दिन, 40 दिन, 3 किताबों के संग अगर आप जी लिए तो टॉप कर जाओगे ये नौकरियाँ। और 30-31 हज़ार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अभी 800 वैकेंसी आई है लगभग इसकी, सब इंस्पेक्टर की, और उसमें छोरे जान लगा रहे हैं। फिर आप बोले मैं तो IAS बनूंगा, मैं तो RS बनूंगा, वहाँ हज़ार हज़ार ही भर्तियाँ नहीं आती है, बल्क वैकेंसी है। नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले सबसे आखिरी सरल एग्ज़ाम है, राइट टाइम पर कंडक्ट हो रहे हैं, इसकी तैयारी बढ़िया कर लो, आलस को आने ही मत दो। एनर्जेटिक, 6 घंटे की नींद कम से कम होनी चाहिए, इसके अलावा आप क्या खा रहे हो, क्या ओढ़ रहे हो, क्या पी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 घंटे की नींद आपकी कम से कम होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी क्या सुविधाएं हैं कोई मैटर ही नहीं करता है ना। वो नींद बहुत जरूरी मानसिक अवस्था के लिए, उनको पढ़कर आराम से अच्छी तैयारी करो, एनर्जेटिक रहो, पसर के मत बैठो, सीधे बैठो, सब पसर के बैठ जाते हो यूं करके बुआ जी की तरह। फिर फूफा जी को मैं बुलाऊंगा, मैं बाल्टी पानी के लेकर, उन्हें लगा वैसे वैसे।